बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम चैप्टर टू कर रहे हैं, उसमें एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। पुट अ राइट टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो हमें इस सवाल का जवाब भी ढूंढना चाहिए, मन रब्बिक, तुम्हारा रब कौन है। इसका जवाब कुरान मजीद हमें देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को आसान फरमाया है। असल में कुरान मजीद अल्लाह ताला का तारुफ है, जिसमें अल्लाह ताला हमें बताता है वो कौन है। उसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है, वो कायम रहने वाला, कायम रखने वाला है और तमाम कायनात का मालिक है। तो आज से कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें। हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कैथोड रेज, किनाल रेज, एक्स रेज और एल्फा रेज। हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किनाल रेज जो हैं वो लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम किनाल रेज को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और एल्फा पार्टिकल। एल्फा रेज जो हैं वो पेपर से ब्लॉक हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन रेज जो हैं वो थिन एल्यूमिनियम से, और न्यूट्रॉन रेज जो हैं वो कंक्रीट से रुकती हैं। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग जो हैं वो न्यूट्रॉन रेज हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज बाई जे जे थॉम्सन, बोहर, मैक्स प्लांक और रदरफोर्ड। हमने देखा कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया उसमें पहली दफ़ा ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पेश हुआ। तो हम इस क्वेश्चन में से बोहर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज बाय बोहर को टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ थ्री सब शेल्स, ओ शेल, एम शेल और एन शेल। हमने ये देखा था कि सब शेल जितना नंबर होता है शेल का उतने ही उसमें सब शेल होते हैं। तो के एल एम में एम थर्ड शेल है, तो इसमें थ्री सब शेल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ थ्री सब शेल्स, तो एम को हमने टिक किया। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, कोबाल्ट 131, स्ट्रोंटियम और फॉस्फोरस 32। तो जो गोइटर और थायराइड कैंसर होता है उसकी डायग्नोसिस के लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। तो हम आयोडीन 135 को टेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग, न्यूट्रॉन्स। तो हमने देखा था कि फिशन रिएक्शन में थ्री न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद एनर्जी एंड टू एटम्स। तो हम न्यूट्रॉन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीस ऑफ शेल हैज़ वन ऑर्बिटल, थ्री ऑर्बिटल, फाइव ऑर्बिटल्स और सेवन ऑर्बिटल्स। तो एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में थ्री ऑर्बिटल्स, डी में फाइव और एफ में सेवन ऑर्बिटल्स। तो हम पी को टिक मार्क करेंगे, पी हैज़ थ्री ऑर्बिटल्स। ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, लाइट वाटर या हैवी वाटर। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, और ये जो है ना जब इसको साबुन इसमें मिलाएं तो ये झाग नहीं बनाता। सॉफ्ट वाटर जो होता है ये बहुत आसानी से झाग बना लेता है, इसमें मिनरल्स कम होते हैं। और हैवी वाटर जो है वो ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज कॉल्ड हैवी वाटर, और ये मॉडरेटर के तौर पे यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो हम ड्यूट्रियम को मार्क करेंगे। द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ 96.9, 97.6%, 99.7% और नन ऑफ द अबव है, क्योंकि कार्बन 12 जो है 98.9% जो है वो प्रेजेंट होता है नेचर में। तो
none of these is the answer. Next question hai, who discovered the proton? J.J. Thomson, Neil Bohr, Rutherford or Goldstein? तो हमने ये देखा कि गोल्डस्टाइन जो है उसने कैथोड रेज में प्रोटॉन की मौजूदगी का पता चलाया, तो हम गोल्डस्टाइन को मार्क करेंगे, गोल्डस्टाइन का डिस्कवर द प्रोटॉन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। बेटर टू आस्क अ क्वेश्चन देन टू रिमेन इग्नोरेंट, बेहतर होता है कि सवाल पूछ दिया जाए बजाय जाहिल रहने के। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आता, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। उम्मीद है सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।